हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी कोऑर्डिनेटर टोटल से चल रही है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के एडवांस एंड बेसिक टॉपिक्स अभी कवर कर चुके थे। देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट पर मूव हुए थे, जिसमें हमने कर्ड ऑपरेशन मॉड्यूल पर प्रोजेक्ट बना लिया था एक। और उसके बाद हम ब्लॉगिंग सिस्टम प्रोजेक्ट पर मूव हुए थे, जिसमें हमने ब्लॉगिंग सिस्टम का एनवायरमेंट सेटअप किया था। देन उसमें हमने यहाँ पर मेन्यू बनाए थे। तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम हमारे प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करने से पहले इसे का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा ठीक करेंगे, क्योंकि जो हमारे मेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए लोगो, और ये बहुत ज़्यादा पास पास में है। तो हम इसे यहाँ की जगह इस जगह पर सेट करेंगे, राइट हैंड साइड पर, तो ये हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी CSS लिखेंगे। तो इसे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम हमारे इस मेन्यू पे जो ये मेन्यू बार है इस पे हम CSS लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर देंगे डॉट, और इस पर हम लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट हम देते हैं से 20%। इसे हम करेंगे ऐसे परसेंट का साइन, तो ये हो जाएगा 20%। देन ले नहीं रहा है मार्जिन लेफ्ट 20%, तो ये 20% हुआ। देन हम इसका परसेंटेज और बढ़ाते हैं, तो हमारा मेन्यू कुछ इस जगह पर आ चुके हैं। ये हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, और इस CSS को हम सेव करेंगे हमारी CSS फाइल पर। तो हम इसे करेंगे कॉपी। देन कॉपी करने के बाद हमारी CSS फाइल पर चलेंगे। तो हमारी जो CSS फाइल है वो है रूट पर, टूल्स के अंदर, CSS के अंदर। सॉरी, हमने शायद ओके ऑन पेज हम लिख रहे थे, तो हम ऑन पेज ही रहने देते हैं अभी। हमने इसकी कोई कस्टम फाइल नहीं बनाई थी, तो हमने यहाँ पर ही लिखा है। और इसे हम सेव करते हैं, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारे जो मेन्यू है यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम इनकी बीच स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे। देन इसके बाद हम एक हमारी CSS फाइल बना लेते हैं। जो हम ऑन पेज लिख रहे हैं वो हम एक CSS फाइल में लिखेंगे। तो इसे हम करते हैं सेव, और इसके लिए हम जाते हैं हमारे रूट पर, देन टूल्स के अंदर, CSS के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे स्टाइल डॉट CSS। देन इस फाइल को हम लिंक करेंगे हमारे इस जगह पर फोटोसॉम के जस्ट बाद। तो हम इसे करते हैं आपसे कॉपी बूटस्ट्रैप वाली लाइन को, देन इसे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टाइल डॉट CSS। और जो हमारी ये कस्टम CSS है हम इसे मूव कर देते हैं हमारी स्टाइल डॉट CSS फाइल पर। तो हम इसे यहाँ से करते हैं कट, देन इसे हम पेस्ट करेंगे हमारी स्टाइल डॉट CSS फाइल पर। देन सेव करते हैं, देन इसे हम अलाइन कर लेते हैं एंड सेव। अगेन हम इसे करते हैं एक बार रिलोड। तो देखिए हमारे जो CSS है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये हमारी CSS कुछ यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। अब हमें हमारा नेक्स्ट वर्क जो करना है वो करना है हमारे हेडर और फुटर को सेटअप, क्योंकि अभी हम इसी फाइल में वर्क कर रहे थे। अब हम आगे करेंगे वर्क, क्योंकि हमारा जो मेन्यू होगा वो तो हम बना चुके हैं। तो मेन्यू जो होंगे वो हमारे हर पेज पर कॉमन होंगे, साथ ही साथ CSS और JS फाइल भी कॉमन होगी। तो हम इसके लिए एक नई फाइल बनाएंगे यहाँ पर, और एक फोल्डर बना सबसे पहले यहाँ लेंगे इंक्लूड्स। देन इंक्लूड्स में हम वो फाइलें रखेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट के हर सेक्शन में काम आएगी। जैसे हम एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर हेडर डॉट PHP, देन साथ साथ एक और फाइल बनाएंगे फुटर डॉट PHP। हम हेडर और फुटर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हेडर और फुटर हमारी पूरी वेबसाइट में कॉमन रहेंगे, हर पेज पर यूज होंगे। तो हम उनका कोड एक ही बार लिखेंगे, देन उसे हम इंक्लूड करके बार बार यूज करेंगे। तो हेडर फुटर के लिए हम हेडर के लिए इस कोड को कॉपी करेंगे और हमारी हेडर डॉट PHP फाइल में पेस्ट कर देते हैं। देन फुटर के लिए हम इस सेक्शन को कॉपी करेंगे और इसे फुटर डॉट PHP में पेस्ट कर देते हैं। एंड जो हमारा अदर कंटेंट होगा वो हम लिखेंगे हमारी इस होम डॉट PHP में। तो यहाँ लिखते हैं डी यू क्लास कंटेनर, देन यहाँ पर लिखते हैं H2 के अंदर कंटेनर, देन इसे सेव करते हैं एंड इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो अभी हमारे पास केवल कंटेनर आ रहा होगा, तो हम कंटेनर पर हमें हेडर और फुटर इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हम आते हैं हमारे होम कंट्रोलर पर, देन इसे हम करते हैं कॉपी और इसे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड। हमारे फोल्डर का एक बार नाम देख लेते हैं क्या इंक्लूड या इंक्लूड्स है। तो ये है इंक्लूड्स स्लैश हेडर, देन इंक्लूड स्लैश फुटर हम दे देते हैं फुटर, देन सेव करते हैं, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये हमारा हेडर आ चुका है,
फुट आ चुका है लेकिन हमारा कंटेनर शो नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर होम को भी इंक्लूड किया है और होम पर हमारा कंटेनर है, लेकिन कंटेनर जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो हम इसका रीज़न देखते हैं। तो हम इसका सोर्स निकालते हैं, तो यहाँ पर कंटेनर है बट विजिबल नहीं है। देखते हैं ऐसा क्यों है, ऐसे करते हैं हम इंस्पेक्ट और एचटीएमएल देखते हैं हमारा कुछ एचटीएमएल का इशू का। ये हमारा कंटेनर सेक्शन है, लेकिन देखिए कंटेनर सेक्शन जो है वो हेडर के जस्ट नीचे आ चुका है। हम इसमें यहाँ पर क्लास लगाएंगे बॉडी सेक्शन, और इस पर हम लिखते हैं सीएसएस, क्योंकि पोजीशन का इशू आ रहा है तो हम इसे यहाँ पर देंगे सीएसएस। और इसका जो मार्जिन टॉप होगा वो हम देते हैं 20 px। देन अगेन हम करते हैं तो अभी भी इसके नीचे हम इसे और बढ़ाते हैं, तो देखिए हमारा कंटेनर बाहर आ चुका है। तो हम इसे 75 px देते हैं। देन इसे हम करते हैं ऐसे कॉपी, और इससे भी हम हमारी सीएसएस फाइल में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी सीएसएस को यहाँ पर सेट कर देते हैं। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो हमारा कंटेनर हमारी प्रॉपर जगह पर आ जाएगा। एंड अभी भी नहीं आया सर, सीएसएस लोड नहीं हुई, तो हम इसको ऐसा हार्ड लोड करते हैं। एंड अभी भी नहीं आ रही है। ओके, हमने ये जो क्लास है ये हमने हमारी इस बॉडी पर नहीं लगाई है, तो हमें यहाँ पर क्लास लगानी होगी। एंड सेव, अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, तो देखिए हमारा कंटेनर यहाँ पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मेन्यू भी कंप्लीट हो चुका है, देन हमने कंटेनर सेक्शन बना लिया है, साथ साथ हमने हेडर फुटर हमारे कॉमन कर लिए हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम इसके होम पेज की डिज़ाइन पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप प्रोजेक्ट सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट टूटल देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट टूटल अवेलेबल है। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।